जी आज आगे सवाल बताएं। भाई बैठे हैं, एक ही में खाना खाते हैं। एक भाई नफली रोजा रखता है, तो वो भाई चाहता है कि उसके रोजे का सवाब सबको मिले, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो रोजा वो रख रहा है उसका सवाब सिर्फ उसे मिलेगा। और रोजे का सवाब जो है ये उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि वो जिसको चाहे दे दे, ठीक है? जो बदनी जितनी भी इबादतें हैं वो इबादतें दूसरे की तरफ से नहीं की जा सकती, इल्ला ये कि उसके लिए कोई खास दलील आ जाए। जैसे हज के सिलसिले में दलील आ गई है, दूसरे की तरफ से हज किया जा सकता है। अगर कोई आदमी के ऊपर रोजा फर्ज है और वो उसकी कजा करने से पहले उसकी वफात हो गई और उसने सुस्ती और गाफिली में रोजे का कजा नहीं किया है, तो उसके औलिया उसके रोजे की कजा करेंगे, यहाँ इजाजत आ गई। तो जहां पे इजाजत है उन मसाइल को छोड़ करके बाकी जितनी भी इबादतों का ताल्लुक बदन से है उसमें दूसरे की तरफ से नियाबत नहीं की जा सकती, ये इबादात के अंदर एक उसूल है। तो रोजा ये खालिस बदनी इबादत है, ये दूसरे की तरफ से कोई इंसान नहीं करेगा, और जो इंसान रोजा रख रहा है उसे सवाब मिलेगा। अब वो दूसरों को भी अगर नेकी पहुंचाना चाहता है या दूसरों को फायदा पहुंचाना चाह रहा है तो वो आदमी जब रोजे की हालत में हो उनके लिए दुआ करे और उनके लिए हिदायत की दुआ करे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको भी हिदायत दे रोजा रखने की, उन्हें भी तौफीक दे। बाकी जो रोजा रख रहा है उसका सवाब उसे मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन और शेख, क्या शेख लोगों को उभार सकता है कि आप लोग भी रोजा रखा करें, हमें भी शेख सपोर्ट मिलता है? वो सारे भाई या बहन मिलके अगर उसको रोजा खुलवाते हैं तो देखिए ये अलग मसला हो गया ना, ये तो दूसरा सवाल हो गया। अगर कोई आदमी किसी रोजेदार को रोजा खुलवाता है तो उसे अज्र मिलेगा, रोजा खुलवाने का जो अज्र है, लेकिन रोजा रखने वाला जो अजर है, जो इंसान रोजा रख रहा है उसका अजर किसी को नहीं मिलेगा। जो रोजा खुलवा रहा है रोजा खुलवाने का जो अजर आया है वो अजर मिलेगा। लेकिन रोजा खुलवाने में उसको, अगर कोई रोजा खुलवाता है तो उसको उस एक रोजे का सवाब तो उसको मिलता है ना? भाई उसके जितना सवाब मिलता है रोजे का सवाब नहीं मिलता है, अच्छा उसके उसे जितना इतना जी रोजा जी रखने का सवाब तो रोजा रखने पर मिलेगा, वो दूसरे काम पर कैसे मिलेगा? जी उसके जितना सवाब मिलेगा।